लेट्स आस्क मिस्टर संजय द्विवेदी. द्विवेदी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं उद्धव सेना से. द्विवेदी साहब नमस्कार. जय जय सिया राम. जय सिया राम सर. हर हर महादेव. हर हर महादेव. अच्छा सर ये बताएं मोदी जी ने आज कहा है कि कांग्रेस तो अपना खाता भी नहीं खोलेगी उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहा है, और 40 सीट से ऊपर नहीं आती कांग्रेस की, ऐसा बोला है सर द्विवेदी. मोदी जी इस समय 10 साल तक सरकार में रहे हैं. जो उन्होंने वादे किए थे 2014 उसमें मैं डिटेल चर्चा नहीं करूंगा. 2014-2019 से वादे जो किए थे वो एक ही पूरे नहीं कर पाए. अब उनके प्रवक्ताओं की बात सुनिए. अगर 57,000 करोड़ कर्ज था 2014 में, अगर 2.5 लाख करोड़ उसमें कर्ज है तो उन पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है. वो कह रहे सर हम तब भी हमारी प्रगति हो रही है, प्रगति हो रही हमारी. अरे तो भैया जब झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं तो उसमें उन्हें जनता की भावनाएं कहां दिखाई पड़ेंगी. देखिए जनता को जनता सब देखती है. मैं जो बात जानता हूं, जो जनता है चाहे महाराष्ट्र की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश जनता हो, चाहे बिहार की जनता हो, चाहे पूरे देश की जनता हो, जनता से कुछ नहीं छिपा है. आप छिपाना चाहे नहीं छिपा है, हम लोग तो डिबेट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं. आज महंगाई है, बेरोजगारी है, पीसीओ बेची जा रही है, कोई देखने वाला है, कोई कहने वाला है. आज अगर प्राइवेटाइजेशन आप दे तो कर देंगे, प्राइवेट पूरा सेक्टर बना देंगे तो बेरोजगारी तो और बढ़ जाएगी. जो जिसको जिस इंजीनियर को 2,000 रुपए मिलते थे प्राइवेट सेक्टर वाला 10,000 रुपए देगा. आप ऐसे सोचिए, आप जो हमको तनख्वाह मिलनी चाहिए 50,000 की तो वो तो कह रहे 20,000 में काम कराएगा. वो कम ना करिए नहीं कितना करिए. लेकिन द्विवेदी जी बेरोजगारी बढ़ जाएगी. महंगाई देखिए आप, आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई. वो कहते हैं महंगाई है ही नहीं. 400 रुपए में 250 रुपए सब्सिडी मिलती थी, आज हम 900 रुपए 1,000 रुपए सिलेंडर खरीद रहे हैं और 1 रुपए सब्सिडी नहीं मिल रही है. तो जो ये बहानेबाजी की जा रही है, इतना लोन आपने ले लिया है और तब भी कह रहे हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, तब भी आप पीसीओ बेच रहे हैं. जीएसटी कितना पैसा आ रहा है, जीएसटी का पैसा आ रहा है. लेकिन क्यों दिक्कतें क्या है, दिक्कतें देखिए ये आ रही है. जब आप अंधभक्त होके अपने जो आपके जो मित्रगण हैं, जो मित्र हैं आपके 30-40 मित्र हैं, जिसमें अडानी हो गए, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, जब उनके खाते में आप उनके खाते को जो कर्जे को सबको माफ करते चलेंगे आप देश में, तो दिक्कतें ही आनी है. आप समझ लीजिए, आप एक बैंक उन्होंने नजराइज की थी, आप बैंक ही खत्म किए दे रहे हैं, आप पीसीपी पब्लिक सेक्टर ही खत्म किए दे रहे हैं आप. महंगाई कहां पहुंच गई आपको मतलब नहीं. मैं तो इतने भाषण सुनता हूं, माननीय मोदी जी के संवैधानिक पद है नहीं कहना चाहिए, 10 साल का रिकॉर्ड आज तक उन्होंने किसी भाषण में नहीं बताया. हाँ ये जो बताते हैं कि हम 12 साल ठाकरे के जो है हमारे पर बहुत एहसान है, तो भाई एहसान थे तो तुमने सूचना तोड़ दी. मतलब ऐसा एहसान. लेकिन सर यहाँ पर तो ये हो रहा है कि जैसे महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है, इस तरीके से बात हो रही है. अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, जो बड़े बड़े चैनल हैं, महंगाई पे तो बात ही नहीं कर रहे. वो ये नहीं कह रहे कि तूर की दाल आज की तारीख में 140 रुपए में बिक रही है, आज की तारीख में पेट्रोल जो है 106 रुपए का है, डीजल जो है 94 रुपए का है. जैसे मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, जयपुर में और भी ज्यादा महंगा है, इंदौर में और भी ज्यादा महंगा है, इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही है द्विवेदी साहब. देखिए मैं एक चीज बता दूं, जो बड़े चैनल है खर्चे बहुत है और खर्चे मीट आउट हो रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना नहीं चाहिए, गलत बात है, उनके खर्चे मीट आउट हो रहे हैं. आप उनके यहाँ डिबेट करिए तो बोलने नहीं देते हैं. क्यों नहीं बोलने देते हैं, वो नहीं चाहते कि आप बोलें. अब और मोदी जी के मुंह से निकल गया 400 पार, तो 400 पार का नारा चराचर चल रहा है. महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है, बाकी राज्यों में स्थिति क्या है, सब मोदी जी और अमित शाह जी को मालूम, भाजपा को मालूम है. लेकिन वही बात है ना, जब आप कह रहे बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, आप जनरल पूछिए पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पूछिए बेरोजगारी की मार से कितना परेशान है, महंगाई की मार से कितना परेशान है. आज आप जो सेक्टर जो कांग्रेस ने लगाए थे, जो पीसीओ कांग्रेस ने लगाई थी, जिनमें नौकरियां मिल रही थी देश के नौजवानों को, तो वो नौकरी कहां मिल पाएगी. चार आपने महाराष्ट्र में चार आपके वो आए थे, चार प्रोजेक्ट लगने चाह रहे थे, लेकिन उनको आपने भेज दिया, वापस कर दिया. तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, महाराष्ट्र की जनता, मैं ये नहीं कहता हूं आपने गुजरात भेजा गलत भेजा, लेकिन महाराष्ट्र में जो भी लग रहे थे आप गुजरात के दूसरे प्रोजेक्ट भेज देते, जरूरी थोड़े ना महाराष्ट्र वाले आप भेज देते. तो इस तरह की जो हालात पैदा की जा रही है,
माननीय भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा, तो ये पब्लिक देख रही है। आप शिवसेना को आपने तोड़ दिया, आज कह रहे साहब एहसान हमारे पास बहुत है बाला साहब के, आपने शिवसेना तोड़ दिया, नकली शिवसेना कहने लगे, तो क्या एहसान आपके पास है भाई? तो आप तो सीधे सीधे झूठ बोल के जुमलेबाजी करके बात कर रहे हैं, पब्लिक को भड़का रहे हैं, पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक अब आकर्षित नहीं होगी। आप जो जो बोए हैं वही काटेंगे, जैसा बोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। तो जो आप बो रहे हैं, जो आपने बोया है, वही फल आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, ये निश्चित आप जान लीजिए। आप कुछ भी कहिए नहीं मिल रहा, आप कितने अच्छे लच्छेदार भाषण दे लीजिए, अब आपका कोई भाषण नहीं सुनने जाता है। 2014 में जो भीड़ होती थी, जो रोजगार, आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। द्विवेदी जी, हाथ राहुल गांधी जी का नारा है, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात, बेरोजगारी का जवाब वोट से दो, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। मगर मोदी साहब आपको याद दिला रहे कि नेहरू जी प्रेस फ्रीडम के खिलाफ थे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लेके आए, राजीव गांधी जी फिर प्रेस फ्रीडम को कर्व करने के लिए बहुत सारे कानून लेके आए, राहुल गांधी जी ने खुलेआम पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, लोकतंत्र का खात्मा आपने किया है। मोदी जी एक एक उदाहरण देके आपको एहसास दिला रहा है कि लोकतंत्र को मोदी जी से खतरा नहीं है मगर आपसे खतरा है। द्विवेदी जी, लोकतंत्र का या संविधान से खतरा मोदी को नहीं है। जो मोदी जो शपथ लेने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं और सरकारें तोड़वा रहे हैं, दल बदल कानून को नहीं पता क्या? दल बदल कानून क्या होता है, दल बदल कानून में क्या लिखा हुआ है? और महाराष्ट्र का जो 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 सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसमें राज्यपाल से लेके अध्यक्ष तक तो सबके लिए टिप्पणियां की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सरकार उन्होंने बदल दी? अगर संविधान की बात है सर, गलती उसमें आपकी है। उद्धव जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्लियर कट बोला था, वी वुड हैव रिस्टोर्ड हिज गवर्नमेंट। अगर उद्धव जी इस्तीफा नहीं देते, मैं इसी बात पे आ रहा था कि उन्होंने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया कि जब हमारे साथ के जो हमारे विधायक हैं वो जो पार्टी छोड़ रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ हमको सरकारी नहीं चलानी है, कोई बात नहीं, उनको उनकी नैतिकता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नैतिकता कहां गई? माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश आप पढ़ लीजिए, जो 10-11 पॉइंट है किसी पॉइंट में सराहना नहीं है, हर पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने बस ये चीज कही है, सब असंवैधानिक है, राज्यपाल की टिप्पणी करी, विधानसभा अध्यक्ष के लिए टिप्पणी करी, किसके लिए टिप्पणी नहीं करी उसमें? तो ऐसे ऐसे आदेश को आप रख के आप सरकार चला रहे हैं, उसके बाद देखिए आप एनसीपी फिर उसकी फॉर्मूले से आपने तोड़ दी, उनको चुनाव चिन्ह दिलवा दिया। तो आज चुनाव आयोग का मतलब क्या रहा? 70 सालों में जो 70 साल बीते हैं, 10 साल आप इनके हटा दीजिए, कभी चुनाव आयोग का ऐसा दुरुपयोग हुआ नहीं। पार्टियां पहले भी टूटती थी, इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी, माननीय शरद पवार जी ने पार्टी तोड़ी और बहुत से लोगों ने पार्टी तोड़ी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, माननीय इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस आई बनाई, शरद पवार जी ने एनसीपी बनाई और अपनी पार्टी में जनता के बीच में गए, जनता के पास गए, वो पार्टी थोड़ी सरकार नहीं बनाई उन्होंने, वो जनता के बीच गए, जनता ने उन्हें स्वीकार किया और तब उन्होंने सरकार बनाई। आप देखिए माननीय शरद पवार जी ने पार्टी तोड़ी है तो जनता ने उनको दिया, भाई आपने अगर पार्टी तोड़ी थी माननीय एकनाथ शिंदे ने, अजीत दादा पवार ने, तो आप चुनाव कराते, चुनाव करा के देख लेते आप कि इनके पास जो विधायक तोड़े गए हैं वो दोबारा जनता चुनके देती है कि नहीं देती। भाई यही तो है जो कहते हैं धारा 370 का बड़ा दुरुपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने, तो सही किया उन्होंने, वो संविधान में निहित आ रहा है। उसके बाद उन्होंने 6 महीने बाद चुनाव कराते थे, भाई आपके घर सरकार बन सकती है बना लीजिए, हमें जनता पसंद कर रही है, हम बना रहे हैं। आज 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 आपने 2.5 साल सरकार से तोड़ने के बाद आपने एनसीपी फिर तोड़ दी, तो ये जो जो चीजें आप कर रहे हैं देश में, इमरजेंसी द्विवेदी जी, इमरजेंसी तो इंदिरा जी ने लाए थे और पूरे देश ने देखा, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बिल फाड़ते हुए, बिल जो कैबिनेट ने पास किया था, कैबिनेट से ऊपर उठकर परिवारवाद, वही मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद देश से और संविधान से बड़ा हो गया, तो संविधान तो मोदी जी को परिवारवाद कांग्रेस याद आता है, लेकिन जो इनके जो
गुरु हैं इनके जो या चेले जो हैं अमित शाह जी, उनका बेटा बीसीसीआई में सचिव बना बैठा है, कितने बड़ा उसने बैट बैट खेला, या कितने लोगों में नाम ले तू, 200 लोगों में नाम ले सकता हूं अभी, कि परिवारवाद के लिए उन्हें टिकट दी गई या परिवारवाद के लिए दिया गया। परिवारवाद में अगर टिकट दे रहे हैं वो बीसीसीआई सचिव को छोड़ दीजिए आप, अगर माना कि एमपी हमको लड़ा रहे हैं आप या विधायकी हमको लड़ा रहे हैं, तो जनता को चुनके भेज रही ना आप। परिवारवाद में तेजस्वी यादव जी का नाम लेते हैं, तो तेजस्वी यादव जी को लालू प्रसाद यादव जी के बाद, माननीय लालू जी के यादव के बाद जनता ने स्वीकार किया ना, माननीय उद्धव ठाकरे ने वो जनता ने स्वीकार किया ना, तो आप परिवारवाद कैसे कह देंगे आप? क्या आप पहले फायदा उठाते चाचा जी से, रामविलास पासवान जी की पार्टी आपने तोड़ी, सांसद लेके उनके संगठन सरकार चलाई 5 साल, जब देखा उनसे काम नहीं चले फिर आप परिवारवाद पे आ गए, आपने चिराग पासवान की क्यों टिकट दे दी, चिराग पासवान को आपने क्यों संग में ले लिया? देखिए ये सब बातें कहने के मोदी जी की, मोदी जी का झूठ और जुमला जनता देख रही है, जनता समझ रही है। युवा हमारे जो है, नवयुवक जो है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको रोजगार नहीं मिला वो आप देख रहे हैं, आज बड़े इंजीनियर से बैठे हुए हैं, आज 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 बिजनेस काम नहीं कर रहे हैं, आज सिविल इंजीनियर पूरा सिविल इंजीनियर जो है वो ठप हो गए हैं, सिविल से काम से समझ लीजिए कम से कम 250-300 लोगों रोजगार चलता था, लेकिन उन्होंने पूरा पूरा खत्म कर दिया, पूरा एकदम ऐसा खत्म कर दिया है कि शायद किसी सिविल इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है, ना कोई जॉब जा पा रहा है, ना कोई बिल्डिंगें बन रही है, ना कुछ कोई सरकारी काम के अलावा कोई प्राइवेट काम नहीं हो रहा। तो ये क्या है भाई, है 10 साल में जो आपने किया है, तो इसका ये सही चीजें हैं क्या? 10 साल में द्विवेदी जी, मोदी जी का आरोप है आप पर कि 10 साल में मैंने जो किया आप उस सबको रोल बैक करेंगे, आप रोल बैक करेंगे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, आप रोल बैक करेंगे राम मंदिर का पुनर्निर्माण, आप रोल बैक करेंगे CAA, आप रोल बैक करेंगे NRC, आप रोल बैक करेंगे UAPA, आप रोल बैक करेंगे ट्रिपल तलाक अबोलिशन। तो ये जो देश हित में, देश के हित में जो भी मोदी साहब ने 10 साल में किया आप उसको रोल बैक करेंगे, ये आपका उद्देश्य है मिशन? देखिए प्रदीप जी, मैं एक बात कह दूं आपसे, ये कहते हैं कि जो सरकारें पीछे रही उन्होंने कोई काम नहीं किया, आज हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डिबेट कर रहे हैं ये भी कांग्रेस की देन है, आपको मानना पड़ेगा। सुई से लेके जहाज बनने लगे हमारे यहाँ, अनुसंधान केंद्र बने हमारे यहाँ, PCOs बने हमारे यहाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हमारे, आज गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं जा रही है, आज गांव में भी आदमी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। तो ये जो चीजें और बहुत चीजें, शिक्षक माध्यम आप देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय जो है वो हर जगह मिलेंगे आपको, कहाँ नहीं मिल रहा है। तो जो काम जो पिछली सरकारों ने किया आप उसका तो 2% अभी नहीं कर पा रहे, आप 370 का नाम लेते हैं, आप कहते साहब राम मंदिर आपने बनवा दिया, झूठ बोल रहे हैं आप, वो सुप्रीम कोर्ट आदेश था, कोई सरकार होती वो बनवा दी, चलिए 3 तलाक की बात कर रहे हैं, NRC CA आप बात कर रहे हैं, तो ये सब बात करने से कोई मतलब नहीं है। आप वो करना कुछ नहीं है, झुंझुना बजाना आपको, डमरू लेके आप बजा रहे हैं सिर्फ, बस दिन भर डमरू बजाना। 10 साल में क्या किया है प्रधानमंत्री जी अपनी बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि 2 करोड़ जॉब की आप बात कर रहे हैं, पर यार हमने तो बल्कि ज्यादा जॉब्स दिए हैं, जितने हमने वादे किए उससे भी ज्यादा जॉब दिए हैं, और MSME और माइक्रो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस ने जिन जिन लोगों ने लोन दिए लिए हैं उसका हवाला दे करके बोलते हैं कि देखिए हम लोगों ने इतने लोन दिए MSMEs को, जिसकी वजह से एक एक MSME में 5 या 10 लोगों को नौकरी मिली होगी, जिसकी वजह से अभी तक 25-30 करोड़ नौकरियां मिल चुकी हैं। सर आप बताएं। देखिए मैं अभी किसी उसमें डिबेट में सुन रहा था जी कि उनके प्रवक्ता जी कहते हैं साहब जो पहले सरकार 10 साल पहले सरकारें थी वो लोन बड़े आसानी से देते थे, जिसकी वजह से 15,000 करोड़ रुपया जो है 15 लाख करोड़ सर 15 लाख करोड़ रुपए माफ करना पड़ रहा। तो लोन उस समय इजी दिए जाते थे, जिनका ये बहाना लगे कह रहे हमने माफ हम कर रहा है। देखिए आप, देखिए उन्हीं की बातें सुनिए आप, मैं कुछ नहीं कह रहा, उन्हीं की बातें सुनिए आप कि वो क्या कहना चाह रहे। 15 लाख करोड़ कर्जा माफ किसका माफ किया इन्होंने? किसी किसान का माफ नहीं किया, किसी नवयुवक का माफ नहीं किया,
किसी जो इंजीनियर से जो पढ़ाई जो धन लेके जो इंजीनियर बनते हैं जो गरीब आदमी उनका माफ नहीं किया, माफ किसका किया? जो इनके 30-35 धरोहर हैं, उद्योगपति जो इनके धरोहर हैं, जो इनके साथ साथ फ्लैट इनके संग जाते हैं, पाकिस्तान में फ्लैट उतरवाते हैं, ये माता जी के चरण वंदना करते हैं, बिरयानी खाते हैं और गाली देते हैं कांग्रेस को। अरे भैया कैसा प्रधानमंत्री मिला इस देश को मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बिरयानी खुद खाने जा रहा है, पैर छूने माता जी खुद जा रहा है। अरे तो भैया इतना ना बोलो आप, कांग्रेस उनमें बोलो आप। किसानों का प्रदीप जी हमने क्या किया, किसानों का लोन जो था टोटल, अभी जो टोटल अमाउंट है किसानों के ऊपर जो कर्ज था अब शायद बढ़ गया है, वो तकरीबन 750 करोड़ का था, 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ का। अगर 15 लाख करोड़ माफ हो सकता है तो ये भी तो माफ हो सकता है ना सर, किसानों का लोन तो 7,500 करोड़ है, बड़े आराम से माफ कर सकते थे। मैं तो यही तो आपसे मैंने अपने अभी बात कही आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, 15 लाख करोड़ रुपए इनका माफ नहीं हुआ। जो बेचारे इंजीनियर बने हैं उन्होंने लोन लिया, शिक्षा लोन मिलता है, वो लोन किसने शुरू किया था? कांग्रेस ने शुरू किया था, सरकार लोन शुरू किया, इन्होंने शुरू नहीं किया स्टूडेंट लोन। ये तो सिर्फ कह रहे हैं साहब, हम तो सब कांग्रेस से परेशान है, कांग्रेस से सीटें नहीं। अरे भैया आप भगवान हो, विष्णु अवतार हो, जो एक बार आपने बताया था विष्णु अवतार के दिन का, तो भैया कंदराओं बैठो जाके वहां पे अपनी सेवा करो, वहां सेवा दो, लोगों को आशीर्वाद दो। अब ये देश नहीं आपके लिए भाई, आप जब उनके स्वरूप हैं, उनके रूप हैं, लोग उनको आपको विष्णु भगवान का अवतार बता रहे हैं, तो भैया वहां जाओ, यहाँ की जरूरत नहीं है इस देश में। इस देश में जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो आपसे अच्छा काम करेगा, लोगों को रोजगार देगा, बेरोजगारी दूर करेगा, महंगाई दूर करेगा, पीसीओ बेचना बंद करेगा। जो आज अडानी, जो अडानी लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं उनको निकाल के बाहर करेगा, ये करेगा वो आदमी। अडानी का क्या काम एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे क्या करते हैं? चौकीदारी के लिए लगाया गया उनको, इसलिए उनको लगाया गया। तो ये जो काम आप कर रहे हैं देश देख रहा है, देश समझ रहा है, देश जान रहा है। 10 साल में जो गरीब कल्याण योजनाएं मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड जो बार बार बीजेपी हर घर पहुंचा रहे, 80 करोड़ लोगों को खाना राशन, पीएम किसान सम्मान, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान, आयुष्मान करीबन 10-11 करोड़ लोगों को, उज्ज्वला योजना करीबन 12 करोड़ लोगों को, हर घर नल से जल करीबन 12-12.5 करोड़ लोगों को, हर घर में शौचालय करीबन 11 करोड़। तो ये जितने लाभार्थी है द्विवेदी जी, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मोदी जी जो इमोशनली होके बोलते हैं कि ये जो मैं काम किया है मुझे भगवान ने एक निमित्त बनाया है कि भारत को विकसित करके भारत को उच्चतम स्तर पर लेके जाए, और मैं विश्वास करता हूं कि भगवान मेरे माध्यम से इस काम को हासिल करना चाहता है। आज उन्होंने कहा जब वाराणसी गए थे, बड़ी अच्छी बात कही, 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मतलब 15 रुपए का, ठीक 20 करोड़ रुपए लोगों को अगर रोजगार दे दिए होते उनके घर में कम से कम 5 लोग होते, कितने लोग पलते उससे 20 करोड़। जो 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, 15 लाख रुपए की बात कही थी, मैं तो दो बातें कह रहा हूं, अगर 2 करोड़ नौकरी दे दी होती पर ईयर तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। तो इसमें जो 80 करोड़ की बात कर रहे हैं वो 40 करोड़ बसते। तो भैया ये सब दिखावा है, माननीय मोदी जी का सूट बूट पहन के, 10 लाख का सूट पहन के, घड़ी पहन के चमक रहे हैं भाई, भाग गए उनका राजा है। तो सर अभी उद्धव जी के बारे में अगर बात कर लें, युवराज माननीय राहुल गांधी युवराज है, अरे राजा तो भैया आप हो, महाराजा तो आप हो आज की डेट में, तो आप दूसरे युवराज बता रहे हो, जो बेचारा 4,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहा है, जो कोने कोने में घूम रहा है, जो जा रहा है, जिसकी सदस्यता खत्म कर देते हो, वो युवराज सदस्यता खत्म कर सकते थे? तो सर उद्धव जी, उद्धव सेना जो है आज की तारीख में 21 सीटों पर लड़ रही है महाराष्ट्र में, जी बिल्कुल, आपके मुताबिक 21 में से कितनी आ रही हैं सर? टोटल महाविकास अघाड़ी की सीटें जो आ रही हैं महाराष्ट्र में, बाकी प्रदेशों में भी ऐसा ही हाल है, 40 से ऊपर सीटें आ रही हैं, बिल्कुल 48 में से 40 से ऊपर आ रही है, उसका बिल्कुल वोट बैंक क्लियर है।
जो इन्होंने शिंदे जी के लिए सोचा था कि जो 18% वोट शिवसेना का उद्धव जी के साथ में है वो इनको मिल जाएगा, अब इनकी आंखें फट रही हैं, अब ये खुद जान रहे हैं इंटरनल, अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 4 जून को क्लियर हो जाएगा भाई किसको कितना वोट परसेंटेज मिला। मैं समझ रहा हूँ शिंदे जी को जो परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा 0.02% वोट मिलेगा, 0.2% वोट शरद पवार जी का जो बयान है कि छोटे छोटे पार्टी मर्ज करेंगे कांग्रेस के साथ, तो ये सबको एक शॉक लगा, सरप्राइज हो गए कि अभी तीसरा फेज खत्म हुआ नहीं, बारामती खत्म हुआ नहीं, पवार साहब ने इसे बयान क्यों कर दिया, तो ये चर्चा का विषय बन गया। क्या उनको उद्धव ठाकरे जी एमवीए पर भरोसा नहीं है, क्या आगे जाके वो नहीं समझते कि जीतने वाले इंडिया अलायंस, क्या सोच था शरद पवार साहब का? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके ना कोई विधायक है ना सांसद है ना कुछ है, उनका 1% वोट है, वो अगर अगर कांग्रेस साथ शामिल होना चाहते हैं तो उनमें कोई बुराई नहीं है, है? बीजेपी तो ऐसी पार्टियों रखे है अपने संघ में जिसके 30-35 लोग, अगर इनके पास 40 आदमी है, 40 दल इनके साथ शामिल है तो 35 दलों के पास तो इनके पास सांसद तो विधायक ही नहीं है, आप जोड़ देख लीजिए, आप सांसद विधायक किसी के पास नहीं है, किसी के पास एक आध राज्यसभा सदस्य जरूर हो सकता है, वो भी धोखेधड़ी जो बन गया। तो जो जो बात शरद पवार जी कह रहे हैं भाई अपनी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज जिस तरह की पार्टियां तोड़ रहे भाई, एनसीपी पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, चुनाव है उसको वो पार्टी करा दी, महाराष्ट्र की पार्टी करा दी, उधर शिवसेना तोड़वा दिया ऐसे इन्होंने, तो जो पार्टियां तोड़ रहे हैं ये तोड़ने का जो इनके पास विकल्प है निश्चित आप जान लीजिए, ये चुनाव इन सब विकल्पों पे बात करेगा, जनता वोट उसको देगी जो सही ढंग से सरकार चलाएंगे, जो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज लेके मूंछों पे ताव नहीं देंगे, मुंह जो मक्खन नहीं लगाएंगे उनको वोट जनता नहीं देगी, अपनी बार निश्चित जान लीजिए, जनता भी हमारे जनता जो हमारी है वो बहुत चैतन्य हो गई है, समझदार हो गई है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जनता है, तो ऐसा नहीं होगा कि अब इनको वोट परसेंटेज उतना मिलेगा, देख लीजिएगा 150 से 200 सीटें इनकी आएंगी टोटल, ये भी मैं बता दूंगा आपसे, इससे ज्यादा सीटें इनकी नहीं आनी है ये बिल्कुल निश्चित बात, मतलब 200 महाराष्ट्र में भी नहीं आएंगी ना कहीं आएंगी, मतलब 200 से कम, 200 से कम सीट, क्या बात है साहब। चलिए संजय द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सर, जय सिया राम सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो वी हैव सीन ऑल साइड्स प्रदीप, यस बिल्कुल, ऑफ द स्पेक्ट्रम, यस यस, वी हैव सीन द बीजेपी व्हिच इज वेरी कॉन्फिडेंट 400+, वी हैव सीन मिस्टर मुकेश गांधी ऑफ द अजीत दादा पवार एनसीपी हु आल्सो सेज 400+, ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड विद 239 एंड सेड इट वाज अ स्लिप ऑफ द टंग, and then he went up to 329 for the BJP alone, and then of course we have the Congress which says the Congress is coming back, and we have the Uddhav Sena which is very sure that the people of Maharashtra would not have forgiven the BJP and Mr. Eknath Shinde for betraying the trust of what they say is Balasaheb Thackeray's Sena. Well, I don't know how it's going to go, but Maharashtra is going to be very very interesting, Pradeep ji, mujhko aisa lag raha hai. I think elections are going to be interesting, especially as you said, Maharashtra is going to be interesting. ये होगा कि क्या are we actually Modi साहब ने जो highlight किया, is the people going to vote on परिवादवाद pattern or on performance? The performance you can only talk about performance where Modi is concerned, but परिवादवाद उद्धव जी के वोट, क्या बालासाहेब ठाकरे जी के वोट उद्धव जी को ही जाएगा पूरे कोंकण बेल्ट में, क्या पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में जो शरद पवार का गढ़ था, पवार जी का गढ़ था, क्या वो वोट पवार फैमिली को शरद पवार जी को ही जाएंगे, अगेन मोदी साहब का कहना कि क्लासिक एग्जांपल ऑफ परिवादवाद, नो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल, लेकिन परिवादवाद दोनों तरफ है ना सर, क्योंकि एक तरफ सुप्रिया सुले हैं तो दूसरी तरफ सुनीता पवार है, तो मतलब परिवारवाद ही हो गया ना दोनों तरफ ही, दोनों तरफ पवार परिवार है दोनों तरफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर पश्चिम महाराष्ट्र, एक बारामती में दोनों झगड़ रहे, बट एंटायर बारामती एंटायर वेस्टर्न महाराष्ट्र यू हैव डिफरेंट कैंडिडेट्स, in Konkan you have different candidates, but Ajit Dada Pawar is only four candidates over there, no jabhi the matter, so are they votes Pawar sahab kya Sharad Pawar sahab kya 10 ke 10 le sakte hain, now will all the 10 seats come to him,
उद्धव ठाकरे जी जो कोंकण उनके एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोंकण ठाणे नवी मुंबई, तो विल ही लैच ऑन टू सुप्रीमेसी देयर? And if he latches on, what should be the electorate response? If Konkan does not support Uddhav Thackeray, then Uddhav Thackeray's politics is over. Let's be very clear, because that's his strength. सबसे बड़ी strength जो है Mumbai और Konkan, ये शिवसेना की पुरानी strength है. अगर वहाँ पर उनकी performance अच्छी नहीं रही, तो it's over. Very frankly. Similar to Sharad Pawar साहब, अगर if he cannot perform in Western Maharashtra, जी बिल्कुल. I mean. बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जी आपको याद होगा कि ही ऑलवेज टॉक्स टू एनसीपी द ओल्ड एनसीपी एज अ फोर एंड हाफ डिस्ट्रिक्ट पार्टी जी एंड दैट वाज टोटली कन्फाइंड टू वेस्टर्न महाराष्ट्र दैट्स व्हाट ही क्लेम्ड नाउ दीज थिंग्स विल ऑल कम टू फोर वेदर दे आर कैरिश्मा हैज रियली यू नो ओवरटर्न एवरीथिंग बॉडीज स्ट्रेंथ जो बोलते हैं मसल पावर मनी पावर यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एवरीथिंग वॉज देयर और जहां तक बीजेपी का सवाल है देखिए साहब बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अभी भी विदर्भ है नाउ दोस 10 सीट्स फॉर्म द बेडरॉक ऑफ भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र और वो 10 सीटें कहीं नहीं गई हैं मुझको ऐसा लग रहा है इन ऑल लाइकलीहुड द बीजेपी विल परफॉर्म वेरी वेल एज दे हैव ऑलवेज डन इन विदर्भ नाउ रेस्ट इज अ बोनस फॉर द बीजेपी एग्जैक्टली सर 2004 से आप देखोगे विदर्भ हैज ऑलवेज बीन the BJP's forte because Pradeep ji uske pehle bhi agar aap dekhen Congress matlab, also was performed very well Congress also performed very well where Vidarbha is concerned yes. it is only after advent of Mayawati and the Ambedkar was moving away from Congress that the BJP has taken over the entire Vidarbha area continuously Pradeep ji 2009 mein bhi Bharatiya Janata Party ki performance bahut achhi rahi hai Vidarbha mein let's be very clear It was there. Vidarbha has always been a stronghold of the BJP. That is possibly because of the presence of Nagpur, presence of the RSS, and. But aapko yaad hoga, there was a time when Nitin Gadkari used to say that winning, I could not even win a corporation election from. At one time, because it was a Congress stronghold. It was a Congress stronghold, and they had to work really hard. Yes, yes. Absolutely true. Absolutely. So but they worked hard. Things but have changed. But the point is, they worked hard. That's the whole point. Now, has the Congress worked hard this time? I don't know. Well, they certainly seem to be working hard in Mumbai. Mumbai ke andar, jaise Varsha Gaikwad ji hain, bahut zabardast kaam kar rahi hain sab. Dekhte hi banta hai. But will that translate into the rest of the areas? Ab jaise Kishori Lal Sharma ji ki baat ho rahi hai Amethi mein. I don't really see him defeating Smriti Irani. Do you? I don't think so. It depends on the equations there. Because UP is different economics totally. I mean, political, और हर चीज अलग है वहाँ राम मंदिर भी है स्पिरिचुअल एक एंगल भी है सर सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है काशी विश्वनाथ है आप yes, काशी yes. की कायाकल्प देख लीजिए क्या हुई है अभी मथुरा के ऊपर काम हो रहा है बट समाजवादी स्पोक्समैन जितने भी अपने शो में आए बोले कि एंटायर उत्तर प्रदेश इज नॉट ओनली व्हाट यू कॉल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अयोध्या 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 एंड काशी बोले आपने अयोध्या और काशी को डेवलप किया बाकी 78 का क्या जी दैट इज व्हाट दे वर टेलिंग बार बार आपको याद दिला रहा था कि बट आई समहाउ स्टिल फील के जो लाभार्थियों की इक्वेशन है ना हु हैव बीन डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ मिस्टर मोदीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स आई थिंक दे होल्ड द की टू हाउ मेनी सीट्स द बीजेपी विल विन एंड देयर आई थिंक द बीजेपी हैज अ मेजर एज व्हिच द रेस्ट ऑफ द पार्टीज डोंट बिकॉज Everybody is making promises. Mr. Modi has delivered. On so many occasions, he's actually delivered. I agree, prices are high. There are so many other things which are happening. But people are getting money in their accounts. On that, there is no doubt. And that, I think, is a major thing. Labharti to hai, 100%. That is one big issue. Second, the caste equations are the biggest. If you see Maharashtra, Prakash Ambedkar, Mayawati, these... probably Varsha Gaikwad when we talk a classic example the Dalit votes OBC SCST and Muslims every Muslim minorities they are all with Varsha Gaikwad Jeeva she has been able to consolidate and bring them in spite of Prakash Ambedkar now that is it Prakash Ambedkar and Mayawati in spite of them you find these forces this electorate this piece of everybody is totally consolidating with In fact, wherever you have a large proportion of the Muslim vote, you'll find most of the Muslim vote, at least 95%, it will not get divided, it will go straight to the Congress.
हर एक मतलब मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में अभी सीधी साधी बात है, आपको सिर्फ हाथ का बटन दबाना है, ये हो गया है हर जगह पे. एंड हियर ऑब्वियसली मिस्टर ओवैसी सीम्स टू हैव फेल्ड. आई थिंक द बीजेपी मे मेड अ मिस्टेक बाय पुटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन हैदराबाद, एज अ रिजल्ट व्हिच ही गॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू हैदराबाद इन तेलंगाना. इफ सपोज दे हैड पुट अप अ वीक कैंडिडेट एंड ही वुड हैव बीन श्योर ऑफ विनिंग, परहैप्स ही कुड हैव हेल्प्ड द बीजेपी इन अदर एरियाज एज ही डिड लास्ट टाइम. But this time, Mr. Ovesi's influence seems to be on the way. That's what I think. BJP is confident this time. They want to hit him. If you see, jitne bhi top leaders hai, unko sab apne bastion mein takleef diya hai. Yeah, Sharad Pawar ho gaye, Uddhav Thackeray's bastion, Ovesi's bastion, Rahul Gandhi. I mean, they have fielded strong candidates in Kerala also. So, it's going to be tough. I somehow feel that the BJP will be able to scrape through with a full majority. There is no way the BJP cannot cross 300 the way things are going at the moment. Aur India Alliance ko abhi theek hai, aap shor macha lijiye, kuch bhi kar lijiye, lekin India Alliance agar jab bani, uske agar 6 mahine pehle ban jati to shayad surat hal alag hoti. Aaj ki tareek mein I don't think the India Alliance was able to get its act together, so to speak. In Uttar Pradesh, they have fantastic joint rallies. I mean, that you've been highlighting the crowd, you've been showing the crowd. Huge crowds. There, I think there's a special gelling between Akhilesh and Rahul Gandhi. That's right. But then that was there in 2019 also. And now nothing materialized. And in 2022 as well. Yes. If you remember. Exactly. And Yogi Adityanath won everything. So, well, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, aaj ke show mein sirf itna hi. प्रदीप जी और मुझको दीजिए इजाजत. और फिलहाल प्लीज डू कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साहब, और कमेंट जरूर भेजें. वी लव रीडिंग योर कमेंट्स. आपके कमेंट्स पढ़ेंगे एक दो दिन के अंदर. वील रीड योर कमेंट्स. और प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. द मोर सब्सक्राइबर्स वी हैव द मोर वी ग्रो एंड द मोर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. दैट्स जस्ट अबाउट इट. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव.